तो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। तो गुलाब का जो पौधा है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा जो है दोस्तों केयरिंग प्लांट होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हैवी फीडर भी होता है। अगर आप उसको समय समय पे फीड नहीं करवाओगे, अच्छी न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो वो जो है दोस्तों अच्छी खासी फ्लावरिंग नहीं करता है और कलियाँ नहीं बनाता है। और अभी जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि पत्तियाँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा झड़ रही है, और बहुत सारे लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि जो उसका पौधा है वो हरा भरा नहीं है, उसकी पत्तियाँ झड़ गई हैं और पत्तियाँ पीली पड़ के गिर रही हैं और उसमें जो है दोस्तों कलियाँ नहीं बन रही है। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे सारे पौधे को, मेरे पौधे में इस तरह की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो ये सारा चीज़ जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ केयर और न्यूट्रिशन का ही कमाल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही नॉर्मल और सिंपल टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो आपको अपने गुलाब के पौधे में हमेशा जो है दोस्तों करते रहना है, तभी आपके पौधे इस तरह से फ्लावरिंग करेंगे। और जो है दोस्तों मैं आप सभी को घर के ही बनाए हुए बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको ज़्यादा खर्चे भी नहीं लगेंगे और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेंगे, और आप जो है दोस्तों घर में ही इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो और अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। और आपका पौधा जो है दोस्तों इस तरह से ग्रोथ भी करेगा और बिल्कुल हरा भरा भी जो है दोस्तों वो बना रहेगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है दोस्तों, आपको जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो ये है कि उसमें जितनी भी सारी जो है दोस्तों फ्लावर्स आ रही हैं और जो है वो सूख जा रही है, उनको आपको सबसे पहले कट के करके हटा देना है। इसको जो है दोस्तों समय समय पे इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो दूसरा काम करना है दोस्तों वो यह करना है कि आपको जो है ज़्यादा धूप में अपने पौधे को नहीं रखना है। अगर आप ज़्यादा धूप में इसको रखोगे दोस्तों तो इस तरह की जो भी नई नई जो शूट्स निकल रही है वो क्या होगी, वो धूप के कारण जल जाएंगी, और वो जो है दोस्तों जल जाएंगी तो फिर उसमें कलियाँ नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा धूप में इसको नहीं रखना है। कम से कम 2 से 3 घंटा का ही धूप आप अभी गुलाब के पौधे को दिला दो तो यही जो है दोस्तों पौधे के लिए काफ़ी है। तो यही जो दो काम है दोस्तों आपको पूरे गर्मी भर अपने गुलाब के पौधे में करना है। इससे जो है दोस्तों आपका गुलाब का पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और पूरा हरा भरा बना रहेगा। उसके बाद जो है दोस्तों मैंने आप सभी के साथ कुछ दिन पहले ही, आप देख सकते हैं, खीरे के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के शेयर किया हुआ था। तो खीरे के छिलके का जब हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं दोस्तों, तो छिलका जो है वो वेस्ट के तौर पर हमारे घर में निकलता है। तो उसको जो है दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं अपने पौधे में। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को उन्हीं छिलकों से जो है दोस्तों एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर बना के बताने वाली हूँ, जिसका उपयोग अगर आप अपने गुलाब के पौधे में कर लोगे तो आपका गुलाब का पौधा जो है दोस्तों एकदम पूरा हरा भरा बना रहेगा और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो उसके लिए आपको इन छिलकों को करना क्या है दोस्तों, उनके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, खीरे के छिलके जो वेस्ट निकले थे उनको आपको सबसे पहले धूप में सुखा लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो हमारे खीरे के छिलके हैं ये बहुत ही अच्छे से जो है दोस्तों वो सूख चुके हैं। इसको जो है दोस्तों हमने बहुत ही अच्छे से धूप में सुखा लिया है। इस तरह से जो है दोस्तों आपको भी धूप में सुखाना है। देख सकते हैं कितने ही अच्छे से सूख गया, देख सकते हैं इससे कितनी अच्छी आवाज़ भी आ रही है और ये कितने अच्छे से जो है चूर भी हो जा रहा है। तो उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कोई भी कंटेनर को गरम कर लेना है इस तरह से चूल्हे में, या फिर जो है दोस्तों आप तवा ले सकते हो जिससे आप रोटी बनाते हो, वो तवा को अच्छे से पूरे गरम कर लेना है। उसके बाद ये जो खीरे के छिलके हैं उनको जो है दोस्तों आपको उसमें डाल देना है, और डालने के बाद जो है दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से इन छिलकों को जला लेना है। जला के जो है दोस्तों बिल्कुल ही आपको एकदम पूरा ब्लैक कर देना है, राख के फॉर्म में इसको ले आना है। तो देख सकते हैं यहाँ मैं इसको जला रही हूँ, इस तरह से आपको चम्मच की सहायता से हिला हिला के अलट पलट के पूरे से अच्छे से जो है दोस्तों जलाना है। तो देख सकते हैं दोस्तों इसको जो है हमने जला लिया है, जैसा कि हमने दिखाया आप सभी को, आपको भी उस तरह से जलाना है, और जला के जो है दोस्तों इसको हमने राख के फॉर्म में ले आया है। अब इसको जो है दोस्तों इस तरह से आप चूर कर दोगे तो ये बहुत ही आसानी से जो है दोस्तों वो चूर हो जाएगा। तो इसको आपको इस तरह से एकदम चूर करके एकदम पाउडर के फॉर्म में कर लेना है। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत लग सकती है दोस्तों, लेकिन ये जो है दोस्तों हमारे पौधे के लिए एकदम संजीवनी का काम करेगा। एक बार अगर आप इस गर्मी में इसको बना के दे दो तो ये जो है दोस्तों हमारे पौधे को इतनी अच्छी न्यूट्रिशन पहुंचाएगा कि हमारा पौधा जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और बहुत ही अच्छी जो है दोस्तों वो फ्लावरिंग भी करेगा।
देख सकते हैं कितने अच्छे जो है दोस्तों ये पाउडर के फॉर्म में आ गया है। और इसको जो है दोस्तों आप पाउडर के फॉर्म में भी अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो है दोस्तों लिक्विड के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अभी गर्मी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि लिक्विड के फॉर्म में ही इसका इस्तेमाल करें। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको करना है, आपको लेना है 1 लीटर पानी। जैसा कि यहाँ दोस्तों हमने 1 लीटर पानी लिया हुआ है, मैं 1 लीटर पानी में ही जो है दोस्तों आपको मेजरमेंट करके बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहो तो फिर आप जो है दोस्तों ज़्यादा क्वांटिटी में पानी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमने लिया हुआ है 1 लीटर पानी, तो उसमें हम लोग कितना जो है इस फर्टिलाइजर को डालेंगे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ हम लोग डालेंगे पूरे भर के 1 चम्मच, इस तरह से डाल के, और हम लोग इसको जो है दोस्तों अच्छे से मिला देंगे। और ये पानी के सहायता से जो है दोस्तों हमारे पौधे में जाएगा तो क्या होगा, हमारा का जो पौधा का रूट से जो दोस्तों वो बहुत ही आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। और उसके बाद जो है दोस्तों आपको जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो ये है कि आपके जो है दोस्तों वो गमले की मिट्टी इस तरह से सूखी हुई होनी चाहिए। गमले की मिट्टी जब सूखी हुई होगी दोस्तों तो फिर आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर उसमें इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, जब हमारा पौधा जब भूखा होगा दोस्तों तो हम लोग उसको कोई भी खाना देंगे तो क्या होगा, वो बहुत ही तेज़ी से उसको लेगा। तो इसलिए हम लोग को गमले की मिट्टी को सबसे पहले सुखाना है। इसके नीचे जो है दोस्तों देख सकते हैं नमी बनी हुई है, ऊपर से ही आपको इस तरह से सुखाना है। उसके बाद आपको कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको इस तरह से साइड साइड से हल्की हल्की 1 इंच की गुड़ाई कर लेना है। और गुड़ाई करने के बाद जो है दोस्तों आपको ये जो फर्टिलाइजर, इस फर्टिलाइजर को इस तरह से अपने गमले में दे देना है, पूरा भर के देना है दोस्तों, जितना कि गमले का मिट्टी जो है एकदम नीचे तक एब्जॉर्ब कर ले। इस तरह से मैं दे दूंगी। और इसको देने के बाद जो है दोस्तों आपको इसको छाईदार जगह में रख देना है, धूप वाले एरिया में आपको इसको नहीं रखना है। इसके इस्तेमाल से जो है दोस्तों आपका पौधा बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं मेरे पौधे में अभी गर्मी में भी कितनी अच्छी जो है वो फ्लावरिंग भी हो रही है, देख सकते हैं यहाँ से कितना बड़ा साइज का फ्लावर आया है। इधर देख सकते हैं दोस्तों 2 फ्लावर आए हुए हैं कितने अच्छे। आप इस तरह से जो है दोस्तों नेचुरल खाद का इस्तेमाल करोगे तो आपका पौधा जो है दोस्तों वो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा, एकदम भर भर के फ्लावरिंग करेगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। और इस खाद का इस्तेमाल भी जो है दोस्तों आपको 15 दिन में एक बार ही करना है। 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करने से जो है दोस्तों आपके पौधे को टाइम टाइम पे जो है वो फर्टिलाइजर मिलते रहेगा। अगर आप इसका इस्तेमाल लगातार करते रहोगे तो क्या होगा, आपका पौधा फिर स्ट्रेस में चला जाएगा, क्योंकि उसको जो है दोस्तों ज़्यादा भी फर्टिलाइजर आपको अभी गर्मी में नहीं देना है। आपको जो है दोस्तों सोच समझ के ही उसको कोई भी फर्टिलाइजर देना है। मैं जो है दोस्तों अपने पौधे में इस तरह से ही एकदम नेचुरल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। और देख सकते हैं गर्मी में भी मेरा पौधा जो है वो कितनी अच्छी एकदम फ्लावरिंग कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ से भी फ्लावर आए हुए हैं, यहाँ भी फ्लावर आया हुआ है। इस पौधे में देख सकते हैं 3-3, 4-4 फ्लावर आए हुए हैं, इसमें भी कितनी अच्छी फ्लावर आई हुई हैं और कलियाँ जो हैं वो बनी हुई। तो आपको भी दोस्तों इस गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है कि नेचुरल फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करना है, और लिक्विड के फॉर्म में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।